पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। रीवा जिला में ही जितना ज्यादा खनिज निकाला जा रहा है वह सरकार का राजस्व उस हिसाब से नहीं मिल रहा और एका बड़ा कारण होए वाला अवैध उत्खनन हवे जेके शासन का नुकसान तो हुई रहा हवे, साथ ही वहाँ के रहे वाले लोग क्रेशर प्लांट से निकले वाले जहरीला प्रदूषण से जीना उनकर दूभर हवे। ये मामला बनकुइया के आए जहाँ सैकड़न अवैध खदान और दर्जनन क्रेशर चलती ला हमा, जबकि प्रशासन अपन आँखी बंद करे हवे, जगर खामियाजा यहाँ के रहे वाले ग्रामीण उठाए रहे हमा। अरे यहाँ समस्या बहुत है सर, पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, चारपाई में लेटने का मन नहीं पड़ता, इतनी धूल उड़ती है, यही समस्या है। गाड़ी वाहन इतना निकलते हैं कि रोड में बैठे तो कहीं टकरा देंगे, कहीं मार डालेंगे। यहाँ के विधायक हैं, बीजेपी से हैं, यहाँ के विधायक है तो कोई सुन नहीं रहे हैं। हाँ अब मैं अकेली क्या करूँ, ऐसे सब कोई जब जोर के करेंगे। माइनिंग ऑफिसर और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हम आदेशित करेंगे कि वो जाए और उसको देखें कि जो पॉल्यूशन का कंटेंट है वो सीमा से ज्यादा तो नहीं है, और उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। ठीक। जिला के सिरमौर थाना के टीएचपी के नीरे जंगल में ही संदिग्ध हालत में युवक के लाश मिली। मृतक सिरमौर नगर परिषद के साकेत परिवार के सदस्य बताए जात हमा, जे कई एक महीनन से लापता रहे। वहां घटना के जानकारी के बाद मौका पर पुलिस पहुंच के जांच कर रही है। खबर रीवा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पुरास से हवे, जहां के सरकारी राशन के दुकान में धांधली के खेल महीनन से चल रहा हवे, जगर शिकायत सीएम हेल्पलाइनों में कीन जा चुकी पर एकर कोनो असर शासन के दुकान में नहीं दिखाई रहा। इस सरकारी राशन के दुकान के कोटेदार सुमेश्वर प्रसाद तिवारी बताए जात हमा, जिस सड़ा गला अनाज गरीबन का बांटी रहे हैं, एक ता नाप में कम और दूसर सड़ा गला अनाज पाए के बाद और गरीब खुश हमा। राशन दुकान के भीतर दिखावा के हाल ऐसा हवे कि वीडियो देख के अपना खुद ही समझ जाओ कि कौन मेर से गरीबन के हितैषी बने वाली सरकार इनके साथ मजाक कर रही हवे। सिरमौर के दीनदयाल पार्क में हजारन जने की उपस्थिति में आम सभा आयोजित भर, किसान और लोगन के समस्या का लेके पूर्व विधायक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलिन, जहां कहीं के सरकार पशुपालकन और किसानन का आत्मनिर्भर बनावे के लाने गोबर धन योजना के शुरुआत जल्दी कराए। आम सभा का संबोधित कह के जन अस्मिता यात्रा के संयोजक लक्ष्मण तिवारी का कहीं ये अपनों सुने। आज सिरमौर में इसलिए सभा की गई है कि सबसे ज्यादा पानी का संकट सिरमौर में, सबसे ज़्यादा जल अभ्यर्थ का क्षमता सिरमौर में, फिर भी हम कहीं ना कहीं लूटे पीटे की तरह है। सिरमौर हमारा बिंद क्षेत्र का सिरमौर था, आज इसकी अस्मिता खतरे में है। निश्चित रूप से हमारे जो प्रवृत्त देश हैं कि हमारा बिंद हमें लौटाओ, गोबर प्लांट लगाओ, सैनिक आयोग का गठन कराओ, पुरानी पेंशन बहाल कराओ, राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराओ। बुलेटिन की अगली खबर से करौली से है, जहां के एनसीएल दो वर्ष पहले 2020 माही एचसीएमएस भर्ती घोटाला के जांच शुरू की जा रही है। ये घोटाला के जांच एनसीएल अपने स्तर में करे रही, जोने माही सबका क्लीन चिट दे दी गई रही, जबकि कई एक संगठन के साथ आए आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हमा के एनसीएल के एचईएमएस ऑपरेटर भर्ती में पैसा लेके अयोग्य व्यक्ति का रोजगार दे दी, जबकि योग्य व्यक्ति बाहर रहेंगे। आज का मुद्दा हम लोग एक एनसीएल में, जैसा कि आपको पता है कि 2020 में एक एचईएमएम ऑपरेटर भर्ती हुआ था, जिसमें बच्चों और अभ्यर्थी जो थे उनके द्वारा बताया गया कि एक घोटाला इसमें हुआ है, और धरना प्रदर्शन भी किया गया था, भोपाल और दिल्ली में शिकायतें की जा रही थी। एक उम्मीद की किरण अभी 11 मार्च को जगी, जिसमें स्पेशल टास्क फोर्स की एक गठन हुआ था बताया गया कि, और स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा एक लेटर जारी आया महिला जिलाध्यक्ष के पास। और रीवा के एलएलबी कॉलेज से एक ठे तुगलकी फरमा जारी कीन गा हवे, जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सफल बनावे के खातिर शासकीय विधि महाविद्यालय के प्राचार्य योगेंद्र तिवारी चैट ग्रुप में ही एमएलबी फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर और एलएलएम के फोर्थ सेमेस्टर के सब छात्रन का दोपहर 1 बजे महाविद्यालय में उपस्थित हो अनिवार्य बताई। अपना बता दें कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार कार्यक्रम में 1:30 बजे पहुंचे के फरमान जारी करें और न पहुंचे वाले छात्रन का ही नोटिस जारी की जाए। प्राचार्य के कॉलेज में पहुंचे के निर्देश छात्रन के बीच चर्चा का विषय बना रहा, जहाँ छात्रन के
जबराई भीड़ के हिस्सा बनावे खातिर तुगलकी फरमान गवर्नमेंट ला कॉलेज रीवा के ग्रुप में पोस्ट कीनगा। किसी भी प्राचार को और किसी भी ऑर्डिनेंस में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग या कि शासन स्तर में किसी को के ऑर्डिनेंस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई छात्र किसी कार्यक्रम में जाने के लिए बाध्य है। यदि इस प्रकार का बयान वो जारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में जारी कर रहे हैं, छात्रों को इस प्रकार की धमकियां दे रहे हैं तो निश्चित तौर से निंदनीय है, छात्र हित के विपरीत है और यह बड़पोलापन है। खबर गढ़ थाना क्षेत्र से रही, जहां बीच बाजार में साइकिल में जात युवक के पीठ में बाइक सवार चार युवक चाकू घोप के हत्या के प्रयास करें और मौके से भाग निकले। घायल कलय के परिजन थाना पहुंचे, जिनका उपचार खातिर गगे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचावागा, जहां से चिकित्सक चाकू का देख के एक संजय गांधी अस्पताल का रेफर कर दें। गाड़ी निकली है, दो चक्का लेकर निकले हैं उन लोग, उनको बोले थोड़ा आराम से चलो, तो फिर लौट कर आए हैं। लौट कर आए बाद बातचीत चालू हुई है, फिर इतने मारपीट चालू हो गई है, फिर पीछे से ही चाकू मार दिए। कौन थे वो? गांव का ही नहीं, गढ़ का। खबर रीवा से है, जहां अगस्त क्रांति मंच के संयोजक और समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी आज एक पत्रकार वार्ता के आयोजन कई के अपने साथी के साथ अपन बात मीडिया के सामने रखी। अपना का बताई के काल होए वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रोग्राम का लेके तमाम प्रतिक्रिया दीन। आई अपना को सुनाई थे पत्रकार वार्ता के दौरान का कहे। क्रांति के अगस्त क्रांति बेरोजगारों का संगठन है, युवा किसान मजदूरों का संगठन है, किसान भी आएंगे, मजदूर भी आएंगे मजदूरी के बात करने, और रीवा जिले के, इसीलिए तो आपसे प्रार्थना की कि ये जानकारी कहीं न रह जाए कि कल रीवा में पकड़ पकड़ के रोजगार दिया गया, वो जानकारी अब आओ में कोई युवा हमारा छूट जाए, इसलिए कल के कार्यक्रम में हम सब रहेंगे। तो कल सरकार जो ये रोजगार का प्रसाद बाँट रही है और वो प्रसाद कहीं वेस्ट ना हो, इसलिए हम लोग भी आज से लगे हुए हैं जन जागरण में। गांव गांव हमारे जो अगस्त क्रांति के साथी हैं जिनको यहाँ आना था, हम लोगों ने गांव गांव लगा दिया कि सूचना दो, जो खेत में काम कर रहा है उसको बोलो कल रोजगार मिल रहा है। और अब खबर रीवा के संजय गांधी अस्पताल से है भाई, जहां अस्पताल की मैन लिफ्ट खराब है भाई, अटेंडर अपने मरीजन का MRI और CT स्कैन करावे खातिर जद्दोजहद करतला। हम अटेंडर रैंप के सहारे बनी कठिनाई से अपने मरीजन का MRI और CT स्कैन खातिर ले जात हम, एवं मरीज और अटेंडर दोनों का मुश्किल के सामना करे पड़ा था भाई, जहाँ 2 मिनट लगे चाहिए वहाँ 20 से 25 मिनट लग रहा है। नहीं, आप इसमें लेके जा रहे हैं? लिफ्ट नहीं चल रही भैया, कोई अभी तक बनी नहीं थी, तो 3 दिन से मैं परेशान हूँ, तो MRI के लिए ले गया था, वहाँ भी लिफ्ट में नीचे ले गया था, पेशेंट सीरियस है बताइए। आपने किसी डॉक्टर को बताया नहीं? अरे वहाँ वार्ड में मैं बताया था कि भैया लिफ्ट नहीं चल रही, तो बोले कैसे ले जाओ। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर देखे लाने देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।